पहाड़ों पर होते हैं, किन रेगिस्तानी इलाकों में होते हैं, जहां रोड होता है नहीं होता है, गाड़ी कौन सी जाती है, ये गाड़ियां भी नहीं जाती है जिन गाड़ियों में आप शहरों में चल रहे। हकायक बिल्कुल अलग है, इसलिए हकायक पर मबनी बात करनी चाहिए। और हम सब आइडियल सिचुएशन चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि जी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान में भी हो, लेकिन पाकिस्तान की जो हकीकत है, जो हकायक है, उनको सामने रख कर बात करनी चाहिए। तो इसलिए सर आइडियलिज्म से हटकर प्रैक्टिकल बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो कंसर्न्स थे उनको सामने रखें, और अगर उनके साथ कंसल्टेशन हुई है तो वो भी बता दें। एक बात, एक बात और करूँगी सर जल्दी से, और वो ये है कि ये मुझे अच्छा लगा कि ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर ने वाज़े तौर पे ये बात कही कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे लिए बहुत एहतराम जिनका है हमें और जिनका एक बहुत अहम रोल है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, उनको भी हमें यकीनन उस अहमियत से ही देखना चाहिए, और ना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट देने का हक पहले लिया गया है ना अब लिया जाएगा। ये बड़ा वाज़े स्टेटमेंट इस गवर्नमेंट का है, जिसको मैं समझती हूँ कि वज़ीर कानून ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। सर एक चीज़ जो अकाउंटेबिलिटी के हवाले से मैं दो तीन बातें कहूँगी कि जी अकाउंटेबिलिटी से किसी ने इनकार नहीं किया, अकाउंटेबिलिटी हो, अक्रॉस बोर्ड हो, सबकी हो, सेलेक्टिव ना हो और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना की जाए अकाउंटेबिलिटी के नाम पर। चूंकि अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस के साथ खेला गया, इसीलिए अकाउंटेबिलिटी हुई नहीं है पाकिस्तान में उस तरीके से। और ये बात बहुत बुनियादी है, द क्रक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज डिपेंडेंट अपॉन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ दिस प्रोसेस, और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए, कानून भी उतना ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। यू कैन नॉट से कि समबडी इज गिल्टी अनलेस द पर्सन इज नॉट प्रूवन गिल्टी। तो ये जो चीज़ें इसमें खराबी थी उसमें अमेंडमेंट लाना आपके मुल्क के लिए बेहतर है, ये किसी पॉलिटिशियन को फ़ायदा नहीं देगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी को मजबूत करेगी। और इस यही वजह है पिछली हुकूमत में भी जो काबीना में वजीर थे वो ये कहा करते थे कि हम तो काम ही नहीं कर सकते बिकॉज नैब के कानून इस तरीके के हैं। तो नैब इज़ फॉर अकाउंटेबिलिटी ऑफ पीपल, नॉट फॉर विक्टिमाइजिंग पीपल। और आज भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन नैब की तरफ से जो हुई हैं वो आपको आम पाकिस्तानी बताएगा, कितने लोगों ने खुदकुशियां की हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी पगड़ी उछाल रहा था नैब। सो नैब हैज़ टू आल्सो बी रिफॉर्म्ड, नैब अपनी काम करे लेकिन अपना काम बताए भी कि उसने क्या किया है, ना सिर्फ उसको विक्टिमाइजेशन का टूल नहीं होना चाहिए। दिस वॉज मुझे पता है कि दूसरे लोगों ने भी बात करनी है, तो बहुत शुक्रिया। मोहतरमा नुज़रत पठान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। मैं बहुत हद तक शाजिया मरी साहबा की बात को सपोर्ट करती हूँ, इसलिए कि हमने ही लास्ट गवर्नमेंट में कानून पास किया था और 23-24 बिल्स आए थे उसमें हमने, क्योंकि पढ़ने का मौका किसी को मिलता नहीं है, ब्रीफिंग होती नहीं है और बस कहा जाता है कि नो या यस करनी है, तो इसलिए बहुत सी चीज़ें बेखबरी में भी मेंबरान से हो गई हैं। फिर जाकर जब घर बैठते हैं, जब पेपर्स खोलते हैं तो पता पड़ता है कि ये हमने क्या कर दिया। इस तरह के बहुत से बिल्स ऐसे हैं जिन पर ये मौजूदा गवर्नमेंट तवज्जो दे सकती है कि वो कम से कम अपनी कसरत की वजह से कोई गलत चीज़ ना हो जाए। यकीनन इलेक्शंस में के असरात में तरमीम होनी चाहिए, बेहतरी होनी चाहिए। आप सियासी वर्कर रहे हैं, मैंने आपके साथ बहुत साल सियासी तौर पर इलेक्शंस को भी हमने देखा है। शाजिया की बात सही है कि इलेक्शन सिर्फ अंगूठा लगाने की बात नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक कोई सिस्टम हो उसमें हो जाए, आपने लोगों को मेंटली प्रिपेयर करना होता है कि आपने इलेक्शन के लिए इलेक्शन वाले दिन घर से बाहर निकलना है। जहाँ लाइट ना हो, जहाँ अवेयरनेस ना हो, जहाँ आपका कोई अप्रोचेस ना हो कि आप वहाँ बंदे को कोई इमरजेंसी में पहुँच सकें, जहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो है वो रात को गुम हो जाएं, जहाँ आपके सूबे तंजीमों में जो है वो बहुत से क्लैश हो जाएं, गन पॉइंट्स पर वोट लिए जाएं,
वहाँ पर बेहतर है कि हम अच्छी अच्छी इलेक्शन को बेहतर करने के लिए काम करें। पहले तो इलेक्शन कमीशन को कंप्लीट किया जाए, और दूसरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि जो ओवरसीज रहते हैं पाकिस्तानी, अगर उनके पास किसी और मुल्क की नेशनलिटी है तो उसे वोट देने का हक नहीं है। अगर वो पाकिस्तानी है और सिर्फ पाकिस्तानी नेशनलिटी उनके पास है तो वो वोट दे सकते हैं, लेकिन किसी और मुल्क का वो शहरी हो और हमारे मुल्क में आकर वो सिलेक्ट करे कि ये हुकूमत होनी चाहिए, तो मैं समझती हूँ ये पाकिस्तानी लोगों के साथ ज्यादती होगी। बहुत शुक्रिया। जनाब मोहम्मद मोइन वटू साहब। जिस तरह जनाब लॉ मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन अमेंडमेंट्स के बारे में बड़ी तफसील से ज़िक्र फरमाया, तो जनाब स्पीकर मैं समझता हूँ कि जो साबका दौर में इलेक्शन लॉज में या इलेक्शन प्रोसीजर में बेहतरी के लिए जो उन्होंने नाम नहाद बेहतरी के लिए अमेंडमेंट्स की थी, हकीकत में वो मैलाफाइडी थी, उसमें अल्टीरियर मोटिव था उनका। और जब कोई भी किसी भी सिस्टम में जब बेहतरी की जाती है तो उसमें नेक नीति होनी चाहिए, और बेहतरी का मतलब ये है कि पहले जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया कैसे किया जाना चाहिए। मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले दौर में ना ही तो तफसील से बहस हुई इस बात पे, और फिर ख़ास तौर पे जैसे वो कहते हैं ना कि ए रॉन्ग शुड नॉट बी रेक्टिफाइड बाई ए रॉन्ग, और उन्होंने बेहतरी के नाम पे और ईवीएम सिस्टम को ओवरसीज पाकिस्तानी के बहाने से जो इंट्रोड्यूस करवाया, वो जनाब स्पीकर एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें इतना इबहाम है, जिसमें इतनी ज़्यादा गड़बड़ की गुंजाइश है कि कोई भी मशीन जो है जिसको वो ईवीएम सिस्टम के ज़रिए अगर इस्तेमाल करें, वो तो एक कमांड है, जो उसको कमांड दे दी जाए उसके मुताबिक उसने रिज़ल्ट देना है। और मैं पिछले दिनों में इंडियन असेंबली में एक मेंबर साहब जो थे वो पार्लिमानी जो मेंबर थे वो इसी सिस्टम पे एतराज़ कर रहे थे, और उन्होंने असेंबली में बाकायदा तौर पे ईवीएम सिस्टम की मशीन का वो मुजाहरा किया, और उन्होंने ये बताया कि जी मैं दो दो जो मैं वोट हर पार्टी को डाल रहा हूँ, अब आप ये देखिए कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। और उन्होंने दो दो दफ़ा सब पार्टियों को वोट डाले और एक पार्टी को 10 वोट मिल गए। उसने कहा कि जी ये है ईवीएम सिस्टम। और यही जनाब स्पीकर मेरा भी इतराज़ है कि ईवीएम सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो पहले ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो इलेक्शन का पहले तरीक़ाकार है, उसमें जो इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, जो वोटर को मैक्सिमम सिक्योरिटी दी जा सकती है, जो बैलेट पेपर की सीक्रेसी में इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, इस तरह की जो तब्दीली आनी चाहिए, इस तरह की इम्प्रूवमेंट तो आनी चाहिए, लेकिन ये ईवीएम सिस्टम जो है ये इंतहाई काबिले इतराज़ है। और ये सिस्टम किसी तरीके में पाकिस्तान में नहीं चल सकता। और पहले भी आपको मालूम है कि पिछले इलेक्शन में भी जब रिजल्ट जो है ना वो काउंट किए जा रहे थे तो वो भी टेलीफोनिकली सिस्टम जो था वो भी सारे का सारा जो वो कोलैप्स हो गया था। और ये सिस्टम इस तरह नहीं चल सकता, बल्कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को इलेक्शन कमीशन की मशावरत से और जो जितने मेंबरान हैं यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के, उनकी थैंक यू, यू मेड योर पॉइंट, थैंक यू। जनाब लॉ मिनिस्टर साहब, मुख्तसर अल्फाज में मेंबरान की कोई बात तो सब ने इसको क्रिया आज, क्योंकि एजेंडा ज़रा लंबा है और मैं चाहूँगा कि इसके बाद भी सर जो हमारा नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के उसमें तरामीम है वो, और मैं आज ये बात बड़ी खुशी से कर रहा हूँ कि बहुत अरसे के बाद मैंने देखा है कि
लेजिस्लेटर्स ने अपना जो आइनी हक है वो अदा किया है। आज नैब तरमीमी बिल में मेरे ख्याल में कोई 24 या 25 के करीब जो हैं वो तरामीम जो हैं वो मोजज़ अराकीन नेशनल असम्बली ने डाली हैं, और मैं वो सारा गो थ्रू कर रहा था, जो कि सही मानों में कहता हूँ कि कानून साजी की ये रूह है और ये ज़रूर होना चाहिए। सर, मैं सिर्फ इसे मुख्तसरन समेटते हुए जो बातें की गई, बसात इज्जत पहले तो मैं बात करूँगा चित्राली साहब के बारे से। चित्राली साहब, ये सिर्फ दो तरामीम हैं आज, और मैं एक बात वजाहत से कह दूं कि जो बाकी एक बड़ा पैकेज दिया गया था वो बिल पेश नहीं किया गया जॉइंट सिटिंग में, वो लैप्स कर गया जी। लिहाजा इस वक्त जो राइजुल वक्त कानून है, इन दो तरामीम के अलावा या तीन तरामीम जो आज आ रही हैं उसके अलावा, वो 2017 का इलेक्शन एक्ट है जिसपे सबका कंसेंसस था, लेकिन हमने उसके बावजूद इसको इम्प्रूव करने के लिए, असर हाजिर के तकाजों से हम आहंग करने के लिए जनाब स्पीकर ने तमाम जमातों को लिख के कहा है कि आप अपनी नॉमिनेशंस दें। वो कमेटी तश्कील पा चुकी है मेरे ख्याल में, मासवाए उन लोगों से जो कि पार्लियामान से भागे हुए हैं और शहर में दरख्तों को और अमलाक को और ग्रीन एरियाज़ को और बाज़ारों को और जंगलों को आग लगा रहे हैं। उसके अलावा उसमें तमाम जमातों की नुमाइंदगी है, जिन जमातों का वजूद पार्लियामान में है, मासवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या शेख साहब की एक जमात है जो कि उन्हीं पर मुश्तमिल है, उसके अलावा तमाम मेंबरान जो हैं वो चाहे सेनेट से हैं या कौमी असम्बली से उसमें हैं, उस पर सर वो काम जारी है, और वो बिल आज जेरे गौर नहीं है। आज सिर्फ ये दो चीज़ें हैं। जिस तरह आखिरी बात करूँगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज के लिए मज़ीद मौके पैदा करने के लिए जनाब वज़ीरे आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की और सैयद खुर्शीद शाह साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब की पीछे मुशावरत हुई, फिर बाकी जमातों को एतमाद में लिया गया। ये तजवीज़ भी है कि इनको वोट के साथ साथ नुमाइंदगी दी जाए, ताकि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं आइन में मुनासिब तरमीम करके उन्हें ये मौका फराहम किया जाए कि वो अपने अपने जोन्स की नुमाइंदगी करें, अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से इंतखाबात में हिस्सा ले कर आपका हिस्सा बने। और वो तजवीज़ भी सीरियसली ज़ेरे गौर है, और हमें ये हदायत दी गई हैं कि जो पार्लिमानी अमूर की वजारत है और वजारत कानून और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ये मिल बैठ के इस पे एक पैकेज तैयार करके आपके सामने लाएं। तो इन गुजारिशात के साथ मैं अर्ज़ करूँगा कि ये एक गैर मुतनाज़ा कानून है जो आपके सामने रखा गया है। इस पे बहुत डिबेट हुई थी सेनेट के फ्लोर पे भी और उसकी स्पेशल कमेटी में। इलेक्शन कमीशन को मजबूत कीजिए अगर आप आज़ाद और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, तो इस इस्तदा के साथ के ये बिल पास किया जाए। बहुत शुक्रिया। नाउ I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2022, as introduced in the National Assembly, be taken into consideration at once. All those in favor of motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently, the motion is adopted. The bill is now taken up clause by clause. There is an amendment for insertion of new clause 1A standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja. So now I call upon Mr. Mohsen Nawaz Raja to move the amendment. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Speaker, I wish to move that in Election Amendment Bill 2022 as introduced in the National Assembly after clause 1, the following new clause 1A shall be inserted and remaining clauses shall be renumbered accordingly. Now, okay. Aap pura padh le isko. पूरी अमेंडमेंट पढ़ें। The provision of section 72A inserted under section 2 of Elections Amendment Ordinance 2021, which stands omitted on the repeal of the said ordinance by virtue of proviso to subparagraph 1 of paragraph A of clause 2 of article 89 of the Constitution, shall always be deemed to have been omitted and shall have no and shall always be deemed to have no effect whatsoever at any point of time.
Now I put the amendment as moved to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and newly inserted clause 1A stands part of the bill. Clause 2. The question is that clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it, and consequently clause 2 stands part of the bill. Clause 3. The question is that clause 3 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently clause 3 stand part of the bill. This is one. The question is that clause 1, preamble and short title to stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, so clause 1, preamble and short title stand part of the bill. Item number 7. Mr. Murtaza Javed Abbasi, Minister for Parliamentary Affairs, to move item number 7. Shukriya, Speaker Sahab. I wish to move that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Amendment Bill 2022 be passed. Now, I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2022, be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and motion is adopted, and consequently the bill is passed. Item number 8. Senator Azam Nazir Tharar, Minister for Law and Justice, to move item number 8. Janabe Speaker, aapki ijazat se sirf 2 minute mein Pakistan ki jo haliya tareekh hai ya maazi kareeb mein agar jaye to agar kisi ek kanoon ne sabse zyada tanqeed ka samna kiya hai ya koi ek kanoon sabse zyada misuse hua hai या कोई एक कानून जिसके बारे में सबसे ज्यादा सख्त फैसले आए हैं पाकिस्तान की अदालते उज़्मा और अदालते आलिया से वो है नैब का कानून नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑर्डिनेंस 1999 जो कि उस वक्त के एक आमर ने अपने सियासी मुहालफीन को और हकूमती ऐसे अफसरान को जो उनकी हुकम अदूली करें दीवारों में चुनने के लिए बनाया अनफॉर्चुनेटली टाइम टू टाइम उसको बेहतर करने की बजाय उसमें कुछ मज़ीद सख्तियाँ डाली गईं और पाकिस्तान की अदलिया ने गाहे बगाहे इस बात को पार्लियामान की तरफ भेजा पार्लियामान को याद दहानी कराई कि आप इसमें मुनासिब तरामीम करें ताकि इसमें ऐसी प्रोविजंस जो कि बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से मुनासिब नहीं हैं या ऐसी प्रोविजंस जो किसी फर्द वाहिद की अपनी मर्जी या वेम्स और विशेस के ऊपर मिसयूज़ हो सकती हैं आप उनकी उनकी मुनासिब तरामीम के ज़रिए से तसहीह करें गुज़िश्ता हुकूमत जो कि पीटीआई चला रही थी जनाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब क्योंकि इस बात पे यकीन नहीं थे रखते कि कानून साजी ऐवान में होनी चाहिए उन्होंने बहुत सारी तरामीम ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए से की जो कि एक एग्जेक्टिव इख्तियार है और पार्लियामान की मौजूदगी में ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए कानून बदलना कोई खूबसूरत जमहूरी रवायत नहीं है क्योंकि उसमें ना लोगों की इनपुट आती है ना आवाम के मुंतखब नुमाइंदों की वो जहनों की अक्कास होती है 2 ऑर्डिनेंसेस ऊपर तले जारी किए गए जिनमें से एक के ज़रिए जो चेयरमैन नैब हैं उनके ऑफिस को जो कि नॉन एक्सटेंडेबल था ताकि वो बिल्कुल किसी लालच में आए बगैर
बिल्कुल गैर जानबदाराना रोल अदा करे, उनको एक तरह से ऑफिस में मज़ीद रखने के लिए कि उन्होंने जो परफॉर्मेंस पिछले सालों में दी है उसको वो मज़ीद चार चांद लगाएं, वो तरमीम डाली गई। इसी तरह और कुछ तरमीम दी गई जो मैं बिल्कुल एडमिट करता हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके कि वो थी जिन पे अदालतों में बारहा कहा, और पाकिस्तान के जो सिविल सर्वेंट्स हैं मैं समझता हूँ कि मुल्क चलाने में हुकूमत चलाने में उनका बहुत बड़ा रोल है, उनकी तरफ से बारहा ये मुतालबा आया कि हमारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं। आपने देखा कि सिविल सर्वेंट्स को किस तरह किसी एक शख्स के कहने पे पाबंद सलासल किया गया, अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पे जेलों में डाला गया बग़ैर इस सबूत के कि वो रिश्वत सतानी में मुलव्वस थे। इंसान गलती का पुतला है, आपके रोज़मर्रा के काम में आपसे गलती हो जाती है। उनको भी पकड़ के जेल में डाल दिया गया जिनकी टेबल के आगे से फाइल एक दफ़ा गुजरी थी। सियासतदानों को उनकी आवाज़ उनके अफकार को उनकी आवाज़ को उनके नज़रियात को दबाने तब्दील करने के लिए ये कानून इस्तेमाल किया गया, और ये किसी से मख्फी नहीं है। पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ने कहा अपने फैसलों में कि नैब का कानून पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है और हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट रेफरेंस में जिसमें तमाम 17 जज साहबान विराजमान थे और पाकिस्तान बार के तमाम बड़े अहदेदारान सामने बैठे थे, उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि मेरे लिए ये दुख और तकलीफ़ की बात है कि नैब का कानून सियासी मुखालिफों को दीवार से लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। जनाब स्पीकर, ये वो धब्बे हैं जो मैं समझता हूँ आज वक्त है कि उन धब्बों को धोया जाए। आज जो बिल आपके सामने पेश किया जा रहा है उस बिल में मुख्तलिफ़ अराकीन असम्बली ने मेहनत करके अपनी अमेंडमेंट्स भी डाली हैं जो आपके सामने आएंगी वन आफ्टर अनदर, और उसका जो मैंने जायज़ा लिया इन दिनों में एक जो सीधी सीधी सूरत नज़र आती है वो ये है कि पहले नैब के कानून में सरकारी मुलाजमीन अगर मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी या मैं उसे कहूँगा कि मिसटेकन यूज़ ऑफ अथॉरिटी करते तो उन्हें नैब पाबंद सलासल कर देता। तरमीम आई है कि जब तक रिश्वत की करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस की शहादत नहीं होगी मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी सिंप्लिसिटर वुड नॉट बी एन ऑफेंस, और ये अदालत उज़्मा के कई फैसले हैं जो कि इसके ऊपर उन्होंने मुकदमे बरी किए। लेकिन सर उसके लिए आपको 2 साल जेल में रहना पड़ता है। कौन लुटाएगा आपके वो 2 साल जो आपने अपने बच्चों से अपने ख़ानदान से अपने घर वालों से दूर गुजारे जब आपका रोज़गार बंद रहा, और वो जो धब्बा लगा आपके माथे पे बरियत की खबर आप किस किस को देंगे जब टीवी अखबारों में चला कि आज फलां अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको सलाखों के पीछे खड़ा करके हमने वो मनाजर भी देखे कि इंतहाई दयानतदार अफसरान को क्योंकि वो मुखालफ सोच रखते थे उनकी ताबेदारी नहीं थे करते उन्हें गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे खड़ा करके तस्वीरें मीडिया को जारी की गई। इस कानून में ये तरमीम भी है कि कोई मीडिया कैंपेन नहीं करेगा नैब जब तक मुकदमा फाइनल नहीं हो जाएगा। इस कानून में ये तरमीम भी है कि आप तब तक गिरफ्तारी नहीं करेंगे जब तक ये सेटिस्फेक्शन ना हो जाए कि ये बंदा मुल्क से भाग नहीं रहा, ये बंदा एविडेंस ख़राब नहीं कर रहा और ये बंदा तफ्तीश ज्वाइन नहीं कर रहा। जो तफ्तीश ज्वाइन करे ये जिम्मेदारी ले मैं पेश हो रहा हूँ बाहर नहीं जाऊँगा, उसकी गिरफ्तारी वारंट जो है वो जारी ना हो। क्यों ना ज़मानत दी जाए? अगर दहशतगर्दी के कानून में ज़मानत है, अगर कत्ल के कानून में ज़मानत है, अगर ज़ना बिल जबर के कानून में ज़मानत है तो नैब कानून में ज़मानत क्यों ना हो? और अदालत उज़्मा ने 3 फैसला जात में कहा कि पार्लियामान ये कानून बनाए कि ज़मानत जिस तरह दीगर शहरियों को है उसी तरह हासिल होनी चाहिए। एक और बड़ा ड्रैकोनियन प्रोविजन था, नैब के पास इख्तियार था कि वो 90 रोज तक अपनी तहवील में रख के आम ट्विस्टिंग करे, और इस ऐवान में मौजूद और ऐवान से बाहर मौजूद बहुत सारे ऐसे शुरफा हैं जिनके साथ वो नारवा सलूक किया गया। जनाब चेयरमैन 90 रोज़ का रिमांड पहली दफ़ा दहशतगर्दी के मुकदमात में इस मुल्क से दूर किसी और मुल्क में इंट्रोड्यूस करवाया गया जब उस मुल्क में शोरश थी। साइकेट्रिस्ट और तफ्तीशकारों ने कहा कि दहशतगर्दों को डीब्रीफ करने के लिए उनको उस फेज से निकालने के लिए जैसे खुदकुश बम्बार तैयार किए जाते हैं वो ब्रीफ्ड होते हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग होती है, उनको डीब्रीफ करने के लिए वक्त दरकार होता है तफ्तीशकारों को ताकि वो साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करें और उनको ठीक करके निकालें। ये कभी नहीं हुआ था कि वाइट कॉलर क्राइम में 90 रोज़ के लिए बंद कर दिया जाए। जनाब स्पीकर, असासा जात के हवाले से बारहा अदालतों ने कहा कि आमदन से ज़ायद असासा जात
जुर्म तब बनेंगे जब होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस या उसका बेनामीदार साबित हो जाएगा कि उसने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस से वो असासे बनाए हैं। अगर डीसी रेट में कोई फ़र्क है, अगर टैक्स डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती हो गई, अगर मेरे जैसे किसी हिसाब के कमज़ोर आदमी से डिक्लेयर करने में गलती हो जाए तो वो जुर्म नहीं है, क्योंकि कानून ये कहता है नो एक्ट इज़ गिल्टी अनलेस माइंड बी गिल्टी। ये चीज़ें सामने रखते हुए मुफसल तरामीम इसमें की गई हैं ताकि आज के बाद किसी बेगुनाह को अपनी अना की तस्कीन के लिए, किसी सियासी मुखालफ को उसके नज़रियात तब्दील करने के लिए, किसी सरकारी अफसर को अपनी मर्जी के काम करवाने के लिए और किसी ना अच्छे लगने वाली शक्ल को सबक सिखाने के लिए ये कानून इस्तेमाल किया जा सकते। हमने ये हलफ लिया जनाब स्पीकर ये आते हुए कि हम पाकिस्तान के आइन के ताबे कानून साजी करेंगे, हम पाकिस्तान के आइन में दिए गए हकूक का तहफ़ करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। आज इस हकूमत खाने को, इस हकूमत खाने से आप इस 22 करोड़ अवाम में से उन विक्टम्स को निकालेंगे जो कि कल लाइकली इसका शिकार हो सकते हैं। मैं एक बात बड़े वसूख से, और मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि जब ये जिम्मेदारी सौंपी गई और फिर जब अराकीन की अमेंडमेंट्स आई, कल फिर एक मीटिंग हुई, एक एतराज़ उठाया गया। वो सर कहते हैं ना कि जिमें पढ़े या उमें पढ़ावांगे, कि यानी कि अगर डंडे खा के पढ़ाई की है तो डंडे मार के ही पढ़ाएंगे। ये कानून हम तो भुगत चुके, जो यहाँ बैठे हुए हैं उनमें से बहुत सारे भुगत चुके हैं, आप सबको मालूम है, पूरी कौम को मालूम है। ये कानून सबके लिए यकसा है, जिन्होंने भुगतना था वो इसका फल खाएंगे। जिन्होंने मुख्तलिफ मंसूबों में खराबियां की हुई थी, हम कहते हैं वो भी कानून और इंसाफ के मुताबिक डील हों। अगर हमारे साथ सख्तियां हुई हैं तो आने वालों के साथ ना हो, उन्हें आईनी कानूनी तहफ्फुज हासिल होना चाहिए। तो इस स्पिरिट के साथ ये बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, जो बात मैं फिर दोहराऊंगा, मुझे खुशी इस बात की है, मुझे सर ताजर है, सियासतदान है, सरकारी मुलाजिम है, बैंकर है, आम शहरी है, हर चीज़ का ख्याल रखा गया है सर। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने उन अराकीन नेशनल असम्बली को जिन्होंने आज इसमें अमेंडमेंट्स पेश की। सारे हैं जी, हमने देखा, हमने तो उस्तादों को हथकड़ियाँ लगते हुए देखा, हमने लोगों को खुदकुशियाँ करते हुए देखा। और जनाब स्पीकर ये बात फिर मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे करूँगा कि आज तक अदालत उज़्मा ने जितनी दफ़ा इस पार्लियामान को कहा कि ये शिक दुरुस्त नहीं है, आप इसका जायज़ा लें, ये दुरुस्त नहीं है, इसका जायज़ा लें, और जिन जिन शिकों को उन्होंने जिस तरह से तशरीह की, इनको ऐन उस मुताबिक इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और वो पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने मेहनत की है, अरक्रेजी के साथ आज अमेंडमेंट्स लेके आए हैं, वो भी तहसीन और सताइश के लायक है। बहुत शुक्रिया जी। नो कौन मूव करे? लॉ मिनिस्टर जनाब आजम तारर साहब, प्लीज मूव दिस नंबर एट, आइटम नंबर एट। द ऑनरेबल स्पीकर, नाउ आई विश टू मूव द बिल फर्दर टू अमेंड द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999, द नेशनल अकाउंटेबिलिटी सेकंड अमेंडमेंट बिल 2021, as reported by the standing committee, to be taken into consideration at once. Janab Maulana Abdul Akbar Chitrali sahab. Shukriya Janab Speaker. Janab Speaker, Wazir e Qanoon ne bahut tafseel se baat ki aur hona bhi chahiye tha, lekin isme sabse pehli बात, जो पहला नुक्ता है वो ये है कि हकीकत यह है कि इस बिल के बारे में मुझे कम से कम, मैं कौमी असम्बली ऑफ पाकिस्तान का मेंबर हूँ, मुझे अलम नहीं है कि इसमें क्या है और इस वक्त मैं इसको कैसे देख सकता हूँ, इसमें कैसे अमेंडमेंट ला सकता हूँ, ये कहाँ पेश हुआ और स्टैंडिंग कमेटी में कब गया, ये मुझे अभी तक पता नहीं है। इसको भी एक वो वजाहत कर दें कि कब ये पेश हुआ था और इस पर अमेंडमेंट लाए गए, नंबर एक। दूसरी बात यह है जनाब स्पीकर, कहते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत, ठीक है, अगर इसमें खराबियां थी, 2002 में एक डिक्टेटर ने इस कानून को बनाया था
लेकिन 2008 के बाद वो डिक्टेटर तो नहीं थे। इस कानून को आप ही लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया। उस वक़्त कम से कम आपको सोचना चाहिए था कि चोर दोनों तरफ से हों, जहां भी हो उनका एहतसाब होना चाहिए, और जो लोग बेगुनाह हैं उनको जुल्मन, सिर्फ इस वजह से कि उस पार्टी के ताल्लुक नहीं है, उनको जोत कोब नहीं करना चाहिए था। जनाब स्पीकर, वो हो गया, और ये नारा नहीं लगना चाहिए कि मेरा चोर जिंदाबाद, तुम्हारा चोर मुर्दाबाद, बल्कि जो भी कौमी ख़जाने के साथ खेल खेले, जो भी इस मुल्क के साथ नारावा सलूक करे, जो भी कौमी अमानतों को नुकसान पहुंचाए, वो चाहे जिस पार्टी से भी हो, चाहे वो सरकार से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए और सज़ा उसको देनी चाहिए। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ ये अमेंडमेंट लाऊंगा, तरमीम लाऊंगा कि देखें हम इस्लाम की तरफ क्यों नहीं जाते। इस्लामी कवानीन में जनाब वज़ीर आज़म साहब, इस्लामी कवानीन में तो यह है कि मुस्लिम को जब तक इल्ज़ाम साबित न हो जाए उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। अगर हम इस्लामी कवानीन को अपना लें, चाहे वो जिस शुबे से भी उसका ताल्लुक हो, इस्लाम तमाम लोगों को रिलीफ भी देता है, उनके हुकूक का मुहाफिज भी है, और उनके साथ किसी भी शुबे में जुल्म और ज्यादती होने नहीं देता। लेकिन इस्लाम का नाम हम नहीं ले रहे हैं और उन कवानीन की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। चाहिए तो ये था कि इस सिलसिले में, नैब के कवानीन के सिलसिले में हम इस्लामी कवानीन का मुतालिया करते, उसमें जो मशाहिर उलमाए किराम हैं, मुमताज़ उलमाए किराम हैं, उलमा शुयूखुल कुरान शुयूखुल हदीस हैं, जो कुरान और सुन्नत को जानते हों, कानून को जानते हों, और उनसे हम मशवरा ले लेते और इस बिल को मज़ीद इसमें निखार पैदा करते, बेहतरी इसमें लाते और इस बिल को इस कौमी असम्बली में पेश करते, तो आज आप इन मौजूदा हुकूमत, यह हकीकत यह है कि आवाम के दिलों में हुक्मरानी करती। जनाब स्पीकर, ये जो लाया गया है इसमें भी हमने तरामीम पेश की थी, मैंने तरामीम पेश की थी। हम हर इदारे को मजबूत देखना चाहते हैं जनाब स्पीकर, लेकिन इस्लामी हुदूद और कयूद के अंदर रहते हुए, अंग्रेजों के कानून में आपको कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर आप इंसाफ चाहते हैं कि मुझे भी इंसाफ मिले और पोजीशन को भी मिले, हुक्मरान को मिले और रियाया को भी मिले, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे वो जिस इलाके से ताल्लुक रखता हो, अगर हम ये चाहते हैं तो यकीनन वो सिर्फ एक इस्लाम है। इस्लाम के अलावा कोई भी हमारा तहफ़ नहीं कर सकता। तो मेरा इस वक्त सजेशन ये है कि इस बिल को भी जल्दी मत कीजिए, थैंक यू, इसको मुतारफ कीजिए, मुतारफ कीजिए। मौलाना साहब को माइक खोले, मौलाना साहब बात कर रहा हूँ क्विकली जी, आप प्लीज। नहीं, मैं तो देखें, मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, इधर उधर जी प्लीज, यू हैव द माइक। तो मेरा कहने का मकसद ये है, मैं बात करूंगा फिर आप बात करें। एक सेकंड, जनाब खालिद हुसैन मक्सी साहब माइक दें, खालिद हुसैन मक्सी साहब। वो मेरा अर्ज था आपको कि कोई खैर का काम कर देना जो आपको रिक्वेस्ट किया था सर, ठीक है ना सर? तो मैंने आपको याद दिलाया था, खैर का काम है कर लेना, कल मैंने आपको याद दिलाया था सर, बस। थैंक यू। बस जी मौलाना अकबर चित्राली साहब जी, तो हम तो
देखें इस्लाम का नाम ले रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि खैर का काम, इससे बेहतर खैर का काम कोई हो सकता है? शुक्रिया कि इस असेंबली में आपका पॉइंट आ गया, शुक्रिया। देखें जी मैं इस पे मुख्तसर स्टेटमेंट देते हैं, थैंक यू, आपका हो गया। जनाब गौस बख्श महर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब मैं तो काफ़ी चीज़ें मौलाना साहब की इंट्रोस करता हूं, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि ये एहतसाब सेल मुशरफ साहब से पहले आया था। मुशरफ साहब के बाद 5 साल आपकी हुकूमत रही, 5 साल मियाँ साहब की हुकूमत रही, तो जब ये चीज़ ख़राब है, उसमें गलतियाँ खराबियाँ हैं, तो उसको अमेंडमेंट क्यों नहीं लाया गया? NRO की वजह से बंद किया गया, क्या हुआ? बिल्कुल ये काला कानून है, काफ़ी लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, मैं इसको अपोज नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सपोर्ट कर, लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि हमें अगर ये लॉ मिनिस्टर बड़े अच्छे आदमी अगर कंसल्ट कर लेते हैं तो हमें इसमें स्टेटमेंट देते हैं कि हम कहते हैं कोई भी चीज़ इस्लाम के खिलाफ नहीं होगी, क्यों नहीं करप्शन पर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पर इस्लामी सज़ा जो है, शरीयत सज़ा जो है, वो क्यों नहीं ले आते अमेंडमेंट करके, और जिसमें सबका बोझ उतर जाएगा और सब खुद जिसने बनाया उसने ही हमारे लिए कोई चीज़ें बनाई कि ये हमारे बेहतरी के लिए ठीक है, उसे बनाने के और कोई ठीक नहीं कर सकता है। गाड़ी जो बनाता है उसको ज़्यादा पता होता है गाड़ी में क्या खराबी है, कैसे ठीक हो। जिसने इंसान को बनाए उस खालिक को हमारा पता है कि हमारे इल जॉइंट के लिए कहाँ कहाँ खराबी है, कहाँ कहाँ को ठीक करें, क्यों नहीं हम शरीयत को ले आते? इतने मौलाना साहब बैठे हैं, वर्जी बैठे हैं, इतने अरसे दे रहे हैं, क्यों नहीं वो भी इस चीज़ को आगे ले आके अमेंडमेंट करके इसको शरीय कानून के मुताबिक सज़ा जो हो क्राइम पर क्रिमिनल पर ले आएँ, तो मेरा ख्याल मुनासिब होगा और एक पाकिस्तान में गवर्नमेंट की भी सराहना होगी, गवर्नमेंट की तारीफ होगी, और ये फिर जो हैंकी पैंकी हम होते हैं हाउस में लोगों को आगे पीछे करना, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने में, इससे भी बच जाएंगे सब। खुदा के इतने नाम ऊपर लिखे हुए हैं इस पर, सब लोग इस पर जाएंगे। मेरी अमेंडमेंट इसमें ये है कि इसमें शरई कानून जो है उस मुताबिक शरीयत मुताबिक जो सजा है वो देनी चाहिए। थैंक यू। कादर खान मंदोखेल साहब। जनाब स्पीकर, तारड़ साहब की तरह मुझे भी 28-29 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करते हुए। ये जो काला कानून आया और यही वजह बताई गया है कि करप्शन को ख़त्म करना है, मैं कहता हूँ करप्शन ज़्यादा हो गई है, करप्शन ज़्यादा सबसे ज़्यादा नैब की अफसरान की तरफ से हो गए। मैं ऐसे ऐसे केसेस आपको बता सकता हूँ जहाँ करोड़ों रुपए के लूटमार हो वहाँ उन्होंने पर्दा रखा, जहाँ एक ऑफिसर या एक पॉलिटिशियन 1-1.5 लाख रुपए के करप्शन उसके ऊपर इल्ज़ाम हो उसको कई साल तक जेल में रखा गया। और फिर मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे कानून पाकिस्तान में जो कानून मौजूद है शायद अमेरिका में मौजूद ना हो, मगर क्या वजह है कि बदनीति की बिना पे अपोजिशन को मुखालफिन को रगड़ा देने के लिए ऐसा काला कानून लाया गया जिसमें आपके बेल भी नहीं है, आपको लवाकिन से मिलने की वो भी नहीं है। और फिर मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ जो जजेस साहिबान उसमें आते हैं वो लोग वो आते हैं या तो रिटायर्ड जजेस होते हैं या हुकूमत के मनपसंद जजेस होता है, जहाँ उनको रिलीफ मिले, जहाँ वो इशारा करे इसको सज़ा देना है, जहाँ उसको इशारा करने इसको रिलीफ देना है वो जजेस आते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है जनाब आला कि इस कानून को, मैं तो ये कहता हूँ सिरे से इसको ख़त्म होना चाहिए, इस वजह से कि पाकिस्तान में एक से एक कानून मौजूद है, चाहे करप्शन के ऊपर हो, चाहे जिना के ऊपर हो, चाहे दहशतगर्दी के ऊपर हो, मगर क्या वजह है कि एक स्पेशल कानून एक लाया जाएगा? और फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ ये स्पेशल कानून सिर्फ अपोजिशन को मुखालफिन को रगड़ देने के लिए, मैं आपको एक एक नेब अफसरान का नाम बता सकता हूँ जिन्होंने करोड़ों रुपए के असासजात बनाए, जिन्होंने इतना माल बनाया कि शायद किसी मिनिस्टर शायद किसी हुक्मरान ने बनाया हो जो नेब के अफसरान ने बनाया होगा। तो नेब का चेयरमैन, जो नेब के चेयरमैन के बारे में भी ये कहूँगा कि ये वही चेयरमैन है जब उकला मास चल रहा था चीफ जस्टिस की बाली के लिए तहरीक चल रही थी और उन्होंने यू टर्न मार दिए और बताया गया कि मेरे पास बच्चों की फीस नहीं है। और फिर उसके बाद जब ये मोमेंट हम लोगों ने और पीपल्स पार्टी और तमाम जो इस वक्त कौमी हुकूमत मौजूद है वहाँ कामयाब हो गई तो वापस जम मार के और सीरियल नंबर 1 पे आने की कोशिश। तो मेरा कहना है जनाब आला कि इसमें तरमीम तो ज़रूर होना चाहिए, इसमें सबसे ज़्यादा बेल की ऑप्शन होना चाहिए। बेल अगर यूरोप को आप देख ले, अमेरिका का कानून को देख लो, वो पहले तफ्तीश होती है और सबसे ज्यादा मुल्ज़िम को बेल दी जाती है। बेल का मकसद ये नहीं होता है कि
गया, वो बरी हो गया। बेल का मकसद ये है कि वो अपने सफाई में कुछ कह सके। तो मेरी गुजारिश है जो लॉ मिनिस्टर साहब ने जो अमेंडमेंट इसमें, जो हमारे साथियों ने अमेंडमेंट इसमें पेश किए, बिल्कुल सही है, इसको फौरी तौर पर नाफिज होना चाहिए, पास होना चाहिए, ताकि मैं आज अगर हम हुकूमत में है, कल अपोजिशन वाले उनके साथ भी ज्यादा नहीं होने चाहिए, न किसी ब्यूरोक्रेट के साथ जो करप्शन में मुलव्वस नहीं है उसके साथ ज्यादा होने चाहिए। और अगर इसी तरह ज्यादा चलती रह गई है तो हुकूमत की मशीनरी अफसरान कोई काम करने को तैयार नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस। मिनिस्टर साहब, डू यू वॉन्ट टू से समथिंग? नहीं सर, एक सिर्फ एक बात है, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट्स हैं तो टाइम थोड़ा लगेगा। एक बात जो उन्होंने कहा ना रिटायर्ड जजेस, वो हमने निकाला है सर, जजेस लगेंगे चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट की तरफ से, ताकि वो बिल्कुल सर्विंग जज होंगे, आज़ादी से खुद मुख्तारी से काम करें। हम इस निज़ाम को बेहतर करना चाहते हैं, हम कोई NRO नहीं देना चाह रहे हैं, ना लेना चाह रहे हैं ना देना चाह रहे हैं। और जो बाकी तहफ़ुज़ात हैं वो सारी अमेंडमेंट्स मेरी नज़र से भी गुजरी हैं। कल चित्राली साहब ने कहा कि ये दिखाया नहीं गया, सर इसकी टाइमलाइन बता देते हैं। ये 8 नवंबर 2021 को ले किया गया और कमेटी को भेज दिया गया, कमेटी ने काफ़ी टाइम लिया लेकिन प्रोग्रेस नहीं हुई इसमें। बार कैफ 23 मई को ये यहाँ पे सर ले की गई थी रिपोर्ट, और उसके बाद ही इसमें कोई 24-25 अमेंडमेंट्स आई हैं। मेरे ख्याल में चित्राली साहब की वो नज़र से नहीं गुजर सका, शायद अगर होता तो ये भी डाल देते। चित्राली साहब, आईने पाकिस्तान के तहत ये पार्लियामान कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो कि इस्लामी कवानीन के मुनाफी है। इसमें कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है, इसमें कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है इवन अमेंडमेंट्स के बावजूद जो कि इस्लाम से मुनाफी हो। नीयतें साफ हों तो इंशाल्लाह सफ़र आसान हो जाते हैं। मैं गुजारिश करूंगा सर के इसको टेकअप किया जाए, आगे अमेंडमेंट्स भी हैं। नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस। इट हैज़ बीन मूव्ड दैट द बिल फर्दर टू अमेंड The National Accountability Ordinance 1999, the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. All those in favor of motion may say aye. Aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently, the motion is adopted. The bill is now taken up clause by clause. Clause 2 amendment. There is an amendment in clause 2 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Ranja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq MNAs. Now I call upon Mr. Mohsin Nawaz Ranja to move the amendment. Thank you very much, Honorable Speaker. I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee in Clause 1, for Sub-Clause 2, the following shall be substituted and shall always be deemed to have been so substituted, namely, this act shall come into clause 2 mein kare se ji, this act please, this is clause, this is clause 1 hum lenge aakhir mein, aakhir mein aap clause 2 ko kare se isme amendment padhe aap. I wish that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee for clause 2, the following shall be substituted, namely, in the National Accountability Ordinance 99, hereinafter referred to as the Ordinance for Section 4, the following shall be substituted, namely, application. This ordinance extends to the whole of Pakistan and shall apply to all persons, including those persons who are or have been in the service of Pakistan, except persons and transactions specified in subsection 2. Now, subsection 2. The provisions of this ordinance shall not be applicable to the following persons or transactions, namely, A, all matters pertaining to federal, provincial, or local taxation, other levies or imposts, including refunds or loss of exchequer pertaining to taxation.
क्लॉज बी डिसीजंस ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैबिनेट डिसीजंस ऑफ फेडरल और प्रोविंशियल कैबिनेट देयर कमेटीज और सब कमेटीज काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल NEC नेशनल फाइनेंस कमीशन NFC एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ECNIC सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी CDWP प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी PDWP डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी DDWP द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड सच अदर बॉडीज एक्सेप्ट वेयर द होल्डर ऑफ द पब्लिक ऑफिस हैज रिसीव अ मॉनेटरी गेन एज अ रिजल्ट ऑफ सच डिसीजन. नाउ मूविंग टू सब क्लॉज सी एनी पर्सन और एंटिटी हु or transaction in relation thereto which are not directly or indirectly connected with the holder of a public office except offenses falling under clause 9 10 11 and of subsection A of section 9 clause D procedural lapses in performance of any public or governmental work or function project or scheme unless there is evidence to prove that a holder of public office or any other person acting on his behalf has been conferred or has received any monetary or any material benefit from that particular public or governmental work or function, whether directly or indirectly on account of such procedural lapses, which the said recipient was otherwise not entitled to receive. Clause E. In a decision taken, an advice, report, or opinion rendered or given by a public office holder or any other person in the course of his duty, unless there is a sufficient evidence to show that holder of public office or any other person acting on his behalf received or gained any monetary or other material